दिनांक 21/12/2021 झारखंड पेट्रोलियम विभाग के द्वारा इस दिन को नो सेल नो परचेज डे के रूप में मनाना था, यानी इस दिन झारखंड के सभी पेट्रोल पंप बंद रहते। लेकिन झारखंड के ही कांके के आशुतोष फ्यूल सेंटर एवं गुलेरिया पेट्रोल पंप के कानों तक यह खबर या फिर यह अनाउंसमेंट शायद नहीं पहुंची, क्योंकि यह पेट्रोल पंप में रोजाना की तरह आज भी खचाखच भीड़ भरी हुई है। पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड पेट्रोलियम विभाग की बंदी हुई फेल। खुलेआम बिक रहा है पेट्रोल पंप पर तेल। डीजल पर वैट के दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि का भुगतान की मांग को लेकर झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा 21 दिसंबर को रांची सहित पूरे झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया गया था, ताकि सरकार को इस बंदी से 10.5 करोड़ रुपए की नुकसान हो सके। लेकिन बात जहां एक भी पेट्रोल पंप नहीं खुलने की थी, वहां इन पेट्रोल पंपों के खुलने के बाद झारखंड पेट्रोलियम डीलर विभाग द्वारा इन पेट्रोल पंप पर कार्रवाई होगी या नहीं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।